नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने एक बाइक है जिक्सर, और जिक्सर बाइक है। इसमें प्रॉब्लम यानी ऐसी आ रही कि ये सिलों में झटके ले रही और तेज चलाने में सही चल रही। तो ये सुजुकी की जिक्सर है और प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत परेशानी है। और ये हमारे गाड़ी वाले भैया भी हैं, तो इनकी बाइक में यानी बहुत दिन से यानी ये प्रॉब्लम है और बहुत परेशान है। और कई लोगों को दिखाया होगा, बताया होगा, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आए नहीं आया। तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। तो इसको पहले हम आपको बाइक चला के दिखाते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम है, फिर उसके किस तरीके से सॉल्व करना है। यानी ये झटके ले रही गाड़ी, यानी इस तरीके से सिलो में झटके ले रही है, यानी हम ले रहे हैं और गाड़ी दब रही है, बहुत ज़्यादा दब रही है, यानी इस तरीके से बंद भी हो रही है। आपको चला के हम दिखा रहे हैं इसीलिए कि देखिए किस तरीके से यानी ये झटके लेती है, यानी बार बार फच फच करती है और दम तोड़ती है। इस तरीके से यानी ये रेस नहीं ले पा रही है, और जब इसको तेज चलाएंगे तो तेज चलाने में पहले खाली खाली एक्सीलेटर लगेगा, फिर उसके बाद रेस पकड़ता है, तब यानी वो सही चलती है जब तेज चलाते तक। बाकी पहले खाली खाली एक्सीलेटर, फिर रेस पकड़ता है। तो हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहा कि इस तरीके से ये मेरे दोस्त देखिए, इसके खोलने के लिए यानी हमने पैनल खोल लिया और इसको कार्बोरेटर को हमने इधर ऐसे तिरछा कर लिया और ये दो पेज खोला, तो यानी ये निकल आएगा। ठीक, ये निकल आएगा, इसको हमें निकालना है। ये निकाल लिया, इसको निकालने के बाद हमें ये निकालना है, ये इसके साथ साथ हमें यानी ये जो है इसको निकालना है। यहाँ से देखिए घुमाया और घुमाया तो ये इस तरीके से देखिए थोड़ा सा, देखिए मेरे दोस्त, यानी यहाँ पर एक पेज है, उसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे निकल आया। ठीक, अब हमको काम जो करना है इसमें करना है, इसकी पिन में, यहाँ पर इसको पिन की हाइट जो है ऊपर करना है। ठीक है, हाइट ऊपर करने के लिए क्या है, इसमें तीन खांचे बने हुए हैं। देखिए मेरे दोस्त, इसमें तीन खांचे बने हैं, इस पिन में तीन खांचे बने हुए हैं, एक दो तीन। ठीक, इसको हमें ऊपर करना है, और ऊपर करके यानी इस तरीके देख लीजिए, ऊपर कर दिया है, और इसको ऊपर करके यहाँ पर फिर ऐसे यानी इसके ऊपर जो था वो हम फिर से लगा दें। ये रबड़ यहाँ पर था और ये वाशर इसके ठीक यहाँ पर इस तरीके से, और इसको लगाना है थोड़ा सा ग्रीस से चपका करके, तब लगाएंगे, नहीं ऐसे लगेगा नहीं। अरे दोस्त देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीस लगा के यहाँ चपका लिया है कि आसानी से यानी ये फिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी स्प्रिंग होती है और इसमें एक पॉइंट बना होता है, उसी पॉइंट पर यानी हमको अंदर ले जा करके सेट करना होता है। वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो ये आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा छोटा चाहिए और है थोड़ा सा बड़ा इसका, इसलिए थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो यानी ये आप इसको कर लेते हैं। धीरे से दबाना है और दबा करके धीरे 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 इसको घुमा देना, यानी ये जब घूम जाएगा तब यानी ये फिट हो जाता है। देखिए दबा के घुमा दिया तो यानी बैठ गया, यहाँ पर एक सिस्टम होता है यानी लॉक होता है, बैठ जाता है। सिर्फ इसकी क्या है, इसकी हाइट को हमने ऊँचा किया, ठीक, ताकि ये कहीं से घिसावट नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। और इसको फिर ऐसे इसी प्रकार से सेट कर देना है मेरे दोस्त, यानी स्लाइड को यहाँ पर ऐसे और इस स्प्रिंग को थोड़ा सा ठीक है मेरे दोस्त। सेट करके यहाँ पेच लगा के तब आपको दिखाते हैं। दोस्त बाइक चला रहे हैं, हमने बना दिया है। आप देखिए जो झटके ले रही थी वो झटके बिल्कुल भी नहीं, जरा सा भी नहीं, और बिल्कुल यानी सॉफ्ट हो गई। हल्के एक्सीलेटर में जैसे हम चलाते थे तो झटका लेती थी, ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल भी झटका नहीं है और हल्का एक्सीलेटर में ही उठ रही है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम थी मेरे दोस्त, हम चाहेंगे थोड़ा सा चला लें और इन भैया का भी हम थोड़ा सा
बता देते हैं। यानी देखिए इन्होंने थोड़ा सा यानी तीसरे गियर पे लगभग में उठाया था, लेकिन तीसरे गियर पर भी यानी ये वो प्रॉब्लम नहीं आई कि जैसे पहले दबती थी, पहले खाली खाली एक्सीलेटर लेती थी फिर आगे बढ़ती थी, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई। और हम थोड़ी सी भैया की बाइट लेंगे जिससे कि यानी इनकी जो बात है वो आप ये बता सके। ये रोक करके अभी तो ऐसा जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी तरीके की। जो रेस छूट रही थी जैसे कि मैं खींचता था तो आरपीएम क्या होता था कि जैसे मैंने दूसरे गियर पे खींचा तो वो बढ़ के रुक के एकदम से बढ़ता था, तो वो प्रॉब्लम चली गई। दूसरा कि चोक की प्रॉब्लम थी और इसमें छोटी सी प्रॉब्लम थी कि टक 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 की आवाज़ आ रही थी, वो सारी चली गई। तो सबसे इनिशियल स्टेज पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी रेस की। जब मैं सवेरे 10 बजे से भैया के पास था, एक्चुअली वो थे नहीं, तो उसी चक्करों में थोड़ा सा रह गया, बट आते ही उन्होंने मुश्किल से थोड़ी देर में इसकी जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी वो तुरंत के तुरंत से हटा दी है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से पूरी तरीके से। तो मेरे दोस्त, हमारा कहने और सोचना मानना यही होता है कि जैसे आपकी बाइक जिक्सर हो, चाहे पल्सर हो या 135 हो या और जो भी बड़ी बाइक होती, जो भी यानी इस तरीके से, चाहे जिसमें यानी झटके लेने की प्रॉब्लम आती है, तो जब भी आपको झटका जैसा महसूस होता है, जिस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को बताया है उस तरीके से आप किसी भी बाइक में आप कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी मेरे दोस्त। उसके साथ साथ क्या होता है कि इसका कार्बोरेटर की जो हमने स्लाइड देखा था वो स्लाइड घिसी ना हो, अगर घिसी नहीं है तो सब कुछ ठीक है, वो सही हो जाएगा, और घिसी है तो फिर आपको कार्बोरेटर चेंज करना पड़ता है। ये जानकारी थी मेरे दोस्त, जो भी जानकारी थी हमने बताना चाहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।